गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन, ए फैक्टराइजेशन इन विच एवरी फैक्टर इज प्राइम इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। मीनिंग क्या है इसका कि हम किसी नंबर का अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका हर एक फैक्टर क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। प्राइम मतलब जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो, वन से और खुद से ही, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम। ठीक है, प्राइम फैक्टर होने चाहिए, उसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर ऑफ ए नंबर। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप, डिवाइड द गिवन नंबर बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। सबसे पहले क्या करना है, उस नंबर को जो हमें गिवन है सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से, जैसे 2 सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर है तो उससे डिवाइड करोगे अगर वो डिवाइड होता है। अगर 2 से नहीं होता तो 3 से डिवाइड करोगे, मतलब स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से आप उसको डिवाइड करोगे, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से। ओके, तो उसके बाद आता है आपका डिवाइड द क्वोशेंट ऑब्टेन इन केस 1 बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ द क्वोशेंट। इसका मतलब क्या है, जो हमने ऊपर किया था, जैसे आपने मान लो कोई भी एग्जांपल, मान लो 16 है, 16 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो 8 आएगा। ठीक है, 8 क्वोशेंट आ गया, फिर आप उसको डिवाइड करोगे किसी प्राइम नंबर से। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका, ये जो कंटिन्यू द अबव प्रोसेस टिल द लास्ट क्वोशेंट इज 1, मतलब इसको तब तक करते रहोगे प्रोसेस को जब तक उसका लास्ट में आंसर 1 नहीं आ जाता। तो राइट द गिवन नंबर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर ऑब्टेंड अबव। मतलब क्या है इसका कि जो भी आपका जितने भी फैक्टर आएंगे उन सब का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास जो गिवन नंबर था वही आएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे मान लो 30 के आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जिससे आप इसको डिवाइड कर सकते हो 2, तो 2 से करोगे तो कितना आया, 15। अब दूसरा कोई प्राइम फैक्टर देखो, 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 से करोगे तो 5। अब यहाँ फिर किससे करोगे, 5 से, तो यहाँ क्या आया, 1। क्या था स्टेप, यही थे, सबसे पहले क्या करोगे किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे जो क्वोशेंट आता है, फिर उसको किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करना है जब तक आपका क्वोशेंट लास्ट में 1 नहीं बच जाता। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या बताया था कि जो ये नंबर है आपका गिवन नंबर है तो ये इनके जो फैक्टर हैं सबके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। 3 2 6 6 5 30 30 + 1 13 2 1 क्या हो जाएगा, 30। ओके स्टूडेंट, ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट द एचसीएफ। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीडी मीनिंग एक ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। होता क्या है ये, जैसे हम कोई गिवन नंबर है आपके पास 2 नंबर, तो आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है जो बड़े से बड़ा फैक्टर जो इसको दोनों को डिवाइड करे, दोनों में कॉमन हो और दोनों को ही डिवाइड करे, ग्रेटेस्ट फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लिया हमने फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12 मतलब यहाँ पे 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड करेगा 2 3 4 6 12, ये सभी नंबर जो है वो 12 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है फैक्टर ऑफ 20, 20 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, 1 2 4 5 10 20। अब हम इनमें देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 कॉमन फैक्टर है और 4 कॉमन फैक्टर है। ठीक है, 2 और 4 कॉमन फैक्टर है, लेकिन इसमें ग्रेटर फैक्टर कौन सा है, 4। तो 4 वो हमारा नंबर है एचसीएफ जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 4। तो ये तो हमारा एक वे है, सॉल्यूशन है निकालने का। दूसरा देखिए, यहाँ पे ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो क्या है, जैसे मान लो 20 और 30 का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, निकालना किससे है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या करोगे, 20 और 30 को लिख लिया आपने, यहाँ सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे,
2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 2 से डिवाइड करोगे 10, 10 को फिर 2 से डिवाइड करोगे 5, 5 से फिर डिवाइड करोगे 1, मतलब कब तक प्रोसेस करना है, जब तक आंसर 1 नहीं आ जाता, ठीक है। ऐसे ही आप 30 को करोगे, 30 को सबसे पहले डिवाइड किया 2 से 15, फिर 3 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड करोगे 1, ठीक है। अब इनको हम लिख लेते हैं, क्या है बताया था अभी प्राइम फैक्टर में कि ये जो 20 है जितने भी फैक्टर होंगे उनके प्रोडक्ट के इक्वल होंगे, तो आप कैसे लिखोगे 2 × 2 × 5। 30 को कैसे लिखोगे 2 × 3 × 5। अब इनमें देखो कॉमन क्या है 2 और 5, तो एस सी एफ क्या होगा 2 × 5 = 10। ओके ओके स्टूडेंट, तो एस सी एफ हम फाइंड आउट करेंगे कौन से मेथड से, सो डिवीजन मेथड से। दो मेथड है एस सी एफ फाइंड आउट करने के, ठीक है, एक आपका है सो डिवीजन मेथड और दूसरा है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आज हम करेंगे सो डिवीजन मेथड। क्या होता है, अरेंज ऑल नंबर इन रो। सबसे पहले क्या करना है, जितने भी आपको नंबर दिए होंगे तो उनको किस में करना है अरेंज, रो में अरेंज करना है। उसके बाद डिवाइड बाय ए नंबर विच कैन डिवाइड ऑल ऑफ देम, मतलब उन नंबरों को उस नंबर से डिवाइड करना है जिससे वो सभी के सभी डिवाइड हो जाए। प्राइम नंबर लेना आपको, जैसे सभी के सभी 2 से डिवाइड हो रहे तो 2 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड होते तो 3 से डिवाइड करोगे, लेकिन जितने भी आपको गिवन नंबर है वो एक ही नंबर से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल इट इज़ पॉसिबल, जब तक आपको कंटिन्यू करना है जब तक वो सारे डिवाइड होते हैं एक ही टेबल से, ठीक है। तो उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ द डिवीजर गिव्स एस सी एफ, मतलब जो भी आपका फैक्टर आएगा तो उसका प्रोडक्ट आपका क्या होगा एस सी एफ। यहाँ पे देखिए एग्जांपल आपका 27 है, आपको निकालना है 20, 24 एंड 36, इनका आपको एस सी एफ निकालना है, ठीक है। तो देखो 20, 24, 36 को आपने क्या करा, रो में लगा लिया, ठीक है, रो में लिख लिया, इनको अरेंज किया रो में। तो उसके बाद क्या करोगे, 2 से ये सारे डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे 10, 12 और 18। अब देखो दोबारा से ये फिर से 2 से डिवाइड होंगे, कहाँ देखो 2 से डिवाइड हो रहे 10 5 पे, 12 6 और यहाँ से 9 पे, ओके। अब ये देखोगे 5, 6, 9, ये अब एक टेबल पे डिवाइड नहीं हो गए, ठीक है, क्योंकि 5 है कोई ना 2 की टेबल में आता है ना 3 की टेबल में आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई 3 आता तो आप क्या करते, 3 की टेबल में उसको डिवाइड कर देते। अब ये 5 है इसलिए ये सारे आपके एक ही टेबल से डिवाइड नहीं हो गए, तो यहाँ पे आप इसको क्या कर दोगे, फिनिश कर दोगे। यहाँ पे आगे आप कंटिन्यू करोगे क्या, एस सी एफ कैसे निकालना है, इन दो को आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना है, 2 × 2 = 4, ये आपका क्या आ जाएगा एस सी एफ। तो ये आपका कौन सा मेथड है, सो डिवीजन मेथड। तो कल हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से एस सी एफ। आज आपका वर्क क्या है, जो भी आपका एस सी एफ है 27, 28 आपके जो यहाँ पे दे रखे एग्जाम्पल वो आपको करने हैं रफ नोटबुक पे, ठीक है, ट्राई आउट करना है। और एक्सरसाइज से भी जो एस सी एफ से रिलेटेड है सॉर्ट डिवीजन मेथड से आप उसको फाइंड आउट करोगे। ओके स्टूडेंट, बाय, थैंक यू।